ग्रामक बाद फटाफट समाचार में पुनः स्वागत है। आओ समाचारक करी के आगू बढ़ल जाए। रिटेल में एफडीआई के मसला पर लोकसभा में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के बयान के बाद आखिरकार संसद में गतिरोध खत्म हो गया। संसद के कार्रवाई शुरू भेला के बाद मुखर्जी अपन बयान में कहला जे रिटेल में 51% एफडीआई के मसला पर सब राज्यक मुख्यमंत्री राजनीतिक दल के बीच जा धरि सहमति नहीं बनत ता धरि मसला के स्थगित कर देल गेल। एकर बाद नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज कहला जे विपक्ष सरकार के एहि भावना का स्वागत करत है। एहि से पूर्व संसद में जारी गतिरोध के खत्म करवा लेल सर्वदलीय बैसार भेल। एहि बैसार में सरकार के सहयोगी दल सेहो हिस्सा लेल। लोकपाल के दायरा में प्रधानमंत्री के अनबा पर अंतिम फैसला संसद करत। संसद के स्थायी समिति फाइनल ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री के किछु शर्त के संग लोकपाल के दायरा में अनबाक सिफारिश कलक अछि, मुदा अंतिम फैसला संसद पर छोड़ दलक अछि। समिति के बैसार में ई तय भेल जे किछु मामला में प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरा से बाहर हेता, जेना राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश मामला, परमाणु ऊर्जा और राष्ट्रहित से जुड़ल आन मुद्दा। ज्ञात हुआ जे अन्ना के संग भाजपा सन किछु राजनीतिक पार्टी सेहो प्रधानमंत्री के लोकपाल के दायरा में अनबा के मांग कर रहल अछि। सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल अब और आसान भ गेल अछि। मेट्रो हुए या बस हुए या पार्किंग, अब एक कार्ड से सब ठाम भुगतान भ सकैत अछि। एकरा लेल सरकार एक बहुउद्देशीय यात्रा कार्ड पेश केलक अछि। एहि कार्ड से टोल टैक्स सेहो भरल जा सकैत अछि। राष्ट्रीय साझा गतिशीलता कार्ड के शहरी विकास मंत्रालय पेश केलक अछि, जकर नाम राष्ट्र पक्षी के नाम पर मोड़ राखल गेल अछि। रूस के राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव कहलनि जे देश के राजनीतिक तंत्र हुनकर अपन विषय अछि, एहि मे विदेशी शक्ति हस्तक्षेप नहि करत। मेदवेदेव कहला जे अगर ओ चुनाव के गड़बड़ी देख रहल छथि तऽ अलग गप अछि, मुदा रूस के राजनीतिक तंत्र के विषय हुनका लेल नहि अछि। मेदवेदेव के बयान अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा सम्पन्न रूस के संसदीय चुनाव के आलोचना के बाद आयल अछि। क्लिंटन कहने छला जे रूस में भेल मतदान स्वतंत्र आ निष्पक्ष नहि छल। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन कहलते जे भारत जलवायु संरक्षण के लक्ष्य के कोनो समाधान के खिलाफ नहीं है। भारत कानूनी रूप से बाध्यकारी एक नव संधि पर चर्चा लेल तैयार है, मुदा निष्पक्षता का सिद्धांत एकर केंद्र में हेबाक चाहिए। नटराजन कहलते जे खुलल दिमाग से डरबन आयल छथि, मुदा वो बुझे छथि और ई केवल समन लेल बाध्यकारी अछि और की विकसित और विकासशील देश से समान रूप से बाध्यकारी अछि या नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नक्सली के निशाना पर छथि। खुफिया सूचना में कहल गेलै जे नक्सली धोनी का अपहरण कर सकै छन। खुफिया विभाग के सूचना पर झारखंड सरकार धोनी के सुरक्षा बढ़ा देलक अछि। हुनकर सुरक्षा में जैप 1 कमांडो तैनात कयल गेल अछि। खुफिया सूचना में धोनी के संग मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के सेहो नक्सली के निशाना पर बताओल गेल अछि। मुख्यमंत्री के सुरक्षा सेहो बढ़ा देल गेल अछि। कंपनी दिस के जारी बयान में कहल गेल अछि जे वो सरकारक शर्त के उल्लंघन कर रहल आपत्तिजनक सामग्री के हटा देत। दोसर दिस गूगल कहलक जे अगर कोनो विवादास्पद सामग्री कानूनी रूप से जायज अछि तो ओकरा नहीं हटाओ, कियाकि विभिन्न लोक के विचार के अपमान होत। सरकार पीएफ पर ब्याज दर में कटौती करबा पर विचार कर रहल अछि। सूत्रक अनुसार सरकार ईपीएफ पर ब्याज दर में 0.25% तक कटौती करबा के योजना बना रहल अछि। 23 दिसंबर के प्रस्तावित बैसार में एहि पर फैसला भ सकैत अछि। एहि बैसार में ईपीएफ पर ब्याज दर 9.5% से 8.25% करबा पर विचार कयल गेल जा सकैत अछि। पिछला साल सरकार ब्याज दर 8.5% से बढ़ाकर 9.5% कर देने छल। मेमोगट विवाद पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मुश्किल में छथि। खबर है जे जरदारी राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे सकै छथि। एकटा अमेरिकी पत्रिका दावा कयलक जे जरदारी एखन दुबई के एकटा अस्पताल में भर्ती छथि। ओ स्वास्थ्य कारण से राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे सकै छथि। मीडिया मनोरंजन से जुड़ल कंपनी इरोस इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन धर्मा प्रोडक्शन के बहुप्रतीक्षित फिल्म अग्निपथ के विदेश में वितरण करत। एहि संबंध में धर्मा प्रोडक्शन और इरोस के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भेल अछि। धर्मा प्रोडक्शन पहिल बेर अपन फिल्म के वितरण लेल ककरो संग समझौता कयलक अछि। अग्निपथ 2012 में रिलीज भरल पैघ फिल्म में से एक अछि। एहि में दर्शक ऋतिक रोशन के विजय दीनानाथ चौहान के किरदार में नजर औता। तो फटाफट समाचार में अपने सब तमाम खबर देखलौ जे दिन भर बनल रहल सुर्खी में। रात 10 बजे पुनः भेटते वादा के साथ लौ रहल छी विदा। नमस्कार।